अभी कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉल ड्रॉप की शिकायत की थी, जिस पर तत्काल एक्शन लिया गया है और 1 अक्टूबर से लागू हो गए हैं नए नियम। ट्राई के नए नियमों के अनुसार कॉल ड्रॉप हुई तो कंपनियों को भुगतना पड़ेगा भारी भरकम जुर्माना, पूरे 5 लाख का जुर्माना, जिसमें मोबाइल ऑपरेटर कंपनीज पर भारी जुर्माने का प्रावधान है। चलिए आपको बताते हैं ट्राई के नए नियमों के बारे में। महीने भर के प्लान में डाउनलोड में उपभोक्ता को कम से कम 90% समय तक स्पीड के तहत सर्विस मिलनी चाहिए। प्लान में नेट ड्रॉप रेट ज्यादा से ज्यादा 3% हो। नेट के सामान्य ट्रांसमिशन में महीने में कम से कम 75% तय स्पीड में सर्विस मिलनी चाहिए। हर मोबाइल टावर से जुड़े नेटवर्क की हर दिन की सर्विस का मिलान किया जाएगा। कॉल ड्रॉप होने पर संबंधित मोबाइल ऑपरेटर कंपनी पर 5 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। हर महीने 2% कॉल ड्रॉप ही तकनीकी दायरे में आएगी। अन्य कॉल ड्रॉप होने पर कंपनी को जुर्माना भरना होगा। बता दें कि इससे पहले साल 2010 में ट्राई ने कॉल ड्रॉप के नियमों में बदलाव किया था, जो कि बड़े विवाद के बाद ही लागू हो पाया था। तब से सभी कंपनियों पर आर्थिक दंड लगाने का प्रावधान किया गया, लेकिन कॉल ड्रॉप की समस्या से इस कदर जूझ रहे लोगों की समस्या का समाधान नहीं हो पाया और 8 साल में कंपनियों पर मात्र 87 लाख रुपए तक का जुर्माना ही लग पाया। वहीं कॉल ड्रॉप की समस्या को लेकर मोबाइल ऑपरेटर कंपनियों से बात की गई तो उनका अपना अलग ही तर्क था। कंपनियों को सरकारी बिल्डिंगों, सरकारी जमीन और डिफेंस लैंड पर टावर लगाने की मंजूरी चाहिए। अगले 2 साल में देश में 1.5 लाख नए मोबाइल टावर्स की जरूरत है, जिन्हें लगाने के लिए मोबाइल टावर कंपनीज को इजाजत चाहिए।